हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर एनिमे एक्शन में। दोस्तों आज की हमारी मांगा है पोकेमॉन एवरेंस स्टोरी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे फौना सिटी को, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही आराम शांति से अपने पोकेमॉन के साथ रहते हैं। और दोस्तों फिर हम देखते हैं एक लड़के को भागते हुए, और दोस्तों वो लड़का और कोई नहीं, हमारा हीरो ऐश रहता है। ऐश फौना सिटी में थोड़े टाइम के लिए रुका है क्योंकि वहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है। वहीं ऐश भागते भागते एक लड़की से टकरा जाता है। ऐश उस लड़की को बोलता है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैं कहीं और देखते हुए जा रहा था। वो लड़की ऐश को माफ़ करते हुए बोलती है, हाय मेरा नाम लोरा है और तुम? वो लड़की ऐश को घूरते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारा चेहरा आज से पहले इस शहर में कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नए आए हो? ऐश बोलता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता? वो लड़की ऐश को बताती है कि मेरे पापा यहाँ के मेयर है, इसलिए मैं सबको जानती हूँ अच्छे से। ऐश अपना नाम बताता है, वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ घूमने आया हूँ, क्या तुम मुझे इस फेस्टिवल के बारे में कुछ समझा सकती हो? वो लड़की ऐश को बताती है कि यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन लुगिया आता है इस समय साल में, क्योंकि लुगिया का एक तरह से घर हुआ करता था प्राचीन समय में। ऐश और पिकाचू को यकीन नहीं होता है, क्या प्राचीन पोकेमॉन लुगिया? ऐश और पिकाचू बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उसे सुन के, क्योंकि उन्हें लुगिया से मिलने का मौका मिलेगा। वो लड़की बताती है कि लुगिया की वजह से आज यहाँ सभी लोग आराम और शांति से रह पाते हैं, क्योंकि लुगिया हमारे शहर को बचाए रखता है और यहाँ की जो हवा चलती है उससे हमारे शहर को बढ़ने में मदद मिलती है। हमारे शहर में इस हवा की मदद से बहुत सी नई नई चीज़ें बनाई जाती है। ऐश और पिकाचू बोलते हैं, कितना मज़ा आएगा ना जब हम लुगिया से मिलेंगे। पर दोस्तों लड़की रहती है लोरा, वो ऐश और पिकाचू को बताती है कि लुगिया ही नहीं एक और पोकेमॉन भी है यहाँ फौना सिटी का रहस्य, जिसका नाम है जरूरो। वो एक मिथिकल पोकेमॉन है। ऐश उसे सुन के बोलता है, सही में मैं उससे मिलना चाहूँगा। वहीं पीछे से एक प्रोफेसर होकर बोलते हैं, मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, यह है मेरा पार्टनर इलेक्ट्रबस। और ऐश उसे सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, पर वो प्रोफेसर बताते हैं कि मैंने उस मशीन को फेस्टिवल के लिए बनाया था पर कोई भी उसे देखने नहीं आया। और दोस्तों फिर वो लोग प्रोफेसर की लैब की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दोस्तों वो लोग पहुंच जाते हैं प्रोफेसर की लैब की ओर। पिकाचू और लोरा उस लैब को देख के थोड़ा डर जाते हैं, पर ऐश फुल स्पीड में उस लैब के अंदर घुस जाता है। लोरा पिकाचू से बोलते हैं, तुम्हारा ट्रेनर हमेशा से ही जल्दी में रहता है क्या? वहीं दोस्तों ऐश के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहीं दोस्तों लोरा और पिकाचू भी उसके पीछे आ जाते हैं। ऐश उस लैब को देख के बोलता है, कितनी अमेजिंग है, यहाँ कितने सारे कूल गैजेट्स होंगे। वहीं दोस्तों पीछे से प्रोफेसर बोलते हैं, तुम्हारे पास में कुछ मशीनें पड़ी होगी, उन्हें अपने मुंह पे लगा लो, ये एक तरह की डिवाइस है जो तुम्हें वर्चुअल रियलिटी में ले जाएंगी, इनका नाम वीआर गियर है और इससे तुम पुराने समय में पहुँच जाओगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी जाए। फिर दोस्तों हम देखते हैं ऐश लोरा और पिकाचू को पुरानी फौना सिटी में। ऐश फौना सिटी को देख के बोलता है, वाह साइंस तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। फिर उसे दोस्तों उस वीआर गियर में प्रोफेसर की आवाज़ आती है। वहीं दोस्तों वो लोग नीचे उतर के ऐश बोलता है कि मैं हवा को सूंघ सकता हूँ, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही मज़ेदार है। वहीं दोस्तों ऐश की भूख मार रहे होते हैं, पर वो ऐश के अंदर से निकल जाते हैं। ऐश उन्हें देख के डर जाता है कि ये क्या हो गया। तो फिर प्रोफेसर बताते हैं कि ये सब वीआर की वजह से हो रहा है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ देख सकते हो, तुम उन्हें महसूस नहीं कर सकते हो, तो उन्हें छू नहीं सकते हो, और अब देखो तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है जल्दी। फिर दोस्तों तो पीछे का ज्वालामुखी रहता है वो फट जाता है। ऐश उसे देख के डर जाता है कि ये क्या हो गया एकदम से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह बहुत जल्दी हो गया है। और दोस्तों वहीं आसमान में बिजली भी कड़क रही होती है बहुत ज़ोरों से, और दोस्तों वो बिजली सीधे जाके उस पहाड़ के ऊपर गिरती है, जिससे दोस्तों ज्वालामुखी तो बंद हो जाता है, उसमें से निकलने वाला लावा भी शांत हो जाता है। पर दोस्तों ऐश पिकाचू और लोरा थोड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों सीधे पहाड़ के ऊपर बिजली गिरी है, और दोस्तों उस पहाड़ के ऊपर बिजली गिरने से पैदा हुआ था हमारा दोस्त जरूरा, जो फौना सिटी का लेजेंड है। दोस्तों पिकाचू उसे देखता है और थोड़ा सा चौंक जाता है। ऐश और लोरा को भी यकीन नहीं होता कि क्या है। ऐश उसे देख के बोलता है, ये जरूरा है, वही मेथड, वही पोकेमॉन जिसके बारे में लोरा बता रही थी।
और दोस्तों फिर जरूरा एकदम से चिल्लाता है जिससे ऐश और लोरा थोड़ा सा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। फिर दोस्तों वो सब शांत हो जाता है और ऐश देखता है एक पोकेमोन को रोते हुए, एक पीचू को। ऐश उसे बचाने जाता है पर वो उसके आर पार निकल जाता है, क्यों दोस्तों वो VR में है। फिर दोस्तों वहीं पास में आता है जरूरा, वहीं वो उसे बचा के उड़ जाता है। फिर दोस्तों ऐश और उसके दोस्त टाइम में थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और दोस्तों फिर ऐश और उसके दोस्त टाइम में थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं। फिर वो सामने देखते हैं एक पावर प्लांट को। ऐश उसे देख के बोलता है, लोरा तुम इसे इस चीज़ को जानती हो क्या? लोरा उसे बताती इसे इस्तेमाल करने से तो पोकेमोन को बहुत ही नुकसान होगा। तो फिर ऐश हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो ऐसे ये सब ख़त्म हुए थे। और फिर दोस्तों ऐश अपने पीछे देखता है कुछ पोकेमोन हंटर्स को। दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है तो मैं कोशिश करूँगा उसे जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।